अरे ये पूरी दीवार तो तुमने छोड़ी थी, क्या पुताई कर रहे हो? इतना पेंट नीचे गिरा रखा है, ढंग से करो ना, इसका पैसा कौन देगा? बेगन जहां तुम बाहर खड़ी हो गैलरी में मेरे को ताड़ती रहती है, जरा दीवार पे भी ताड़ दो, कौन सफाई करेगा? अरे ढंग से करो इसको, सुबह से लगा पड़ा हूं तुम्हारे साथ, 2 दिन लग गए तुमसे पता ही नहीं हुई, कल भी पूरा दिन लगा दिया कमरा साफ करने में पेंट। अस्सलाम वालेकुम अरशद साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। वाह भाई वाह, कैसी रही ईद अरशद साहब? ईद मुबारक साहब। वाह जी वाह, काम काज कैसा चल रहा है? बस लकड़ी की कमाई में बहुत आमदनी है अरशद साहब, सब दिखते हैं हमें, कितनी गाड़ियां जा रही है आ रही है आपके यहाँ। हमें तो देखो 3 दिन लगे और 1 महीने से सोचे कब पुताई करेंगे, अब जगह पुताई करेंगे। और बताए नविता जी, हम बताएं? अरे अरशद साहब कहते हैं कासिम की कमसिंग कभी कलकत्ते गई है। अच्छा, अरे बात कर रहे हैं, 2 मिनट दो ना, आई लव यू टू, जाओ बात करने दो। हाँ अरशद साहब, एक ये भी जान खाती है, कासिम की कमसिन कभी कलकत्ते गई है, कभी ध्यान से देखा है आपने? क्या खुदा कसम, क्या खूबसूरती पाई है मेरे, मुझे तो नशा चढ़ जाता है देखते ही। कभी कभी सोचता हूं कि काश मैं एक कवि होता, कभी कभी सोचता हूं कि काश मैं एक कवि होता, कसम उड़ान छलने की कलम नहीं थकती उसके कमाल लिखते लिखते। भाई कुछ रोज पहले की बात है, 1 हफ्ता पहले की, मुझे कहती है करीम साहब आप काले हैं वरना कल ही शादी कर लेती। अच्छा बताओ ये बात हुई कहने की, काले हैं करीम साहब, और अगर है भी तो उसमें हम क्या करें, कभी किए होंगे कुछ काले कर, हम सब करूंगा खेत है साहब। अच्छा छोटी सब बातें, आजकल क्या करें भाई? क्या करेंगे, कमला की मोहब्बत में कागज काले कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन कसम खा के बोल रहे हैं, इतना प्यार करते हैं और उन्होंने हमें काला बोल दिया, हमें तो बहुत बुरा लगा। अच्छा। हम तो उसी दिन चले गए मार्केट फेयर एंड लवली खरीदने, अब आपको तो पता है खूबसूरत कितने हैं, अब बस काले से गोरा होना है, रोज सुबह शाम फेयर एंड लवली मर रहे हैं गालों में, कभी ना कभी तो गोरे हो ही जाएंगे। जी जी। और जिस दिन गोरा हो गए, मौका देखते ही हम तो कमसिन कली कमला से कह देंगे कि कमला जी कितने दिनों से आपने इस नाचीज को गौर से नहीं देखा, कभी क्या पता कल का काला करीम आज गोरा लगने लगे, कभी तो कर्म फरमाइए इस कोमल करीम के कर्मों पर। लेकिन क्या करूं अरशद साहब, सोचता कुछ हूं, कहता कुछ हूं, करता कुछ हूं, पागला क्या क्या करूं, जैसे ही कमला जी कमल की कमसीन कमान से इठलाती लहराती आती है ना, कसम मत जैसे हीरे को पैदा करने वाले की, कंबक सुबह पे कोड़े पड़ जाते हैं। अच्छा। हेलो करीम साहब, कहती कहती वो तो निकल जाती हैं, और एक बेचारे हम नन्ही सी जान कमला जी कहते कहते अपने कर्म ठोक लेते हैं। कोई बात नहीं, सबर कीजिए, जन्नतें मिल जाएगी। अच्छा ये छोड़िए, आप खाना खाने गए थे फयाज भाई के पास? अरे हाँ, बातों बातों में तो बताना ही भूल गए, यही तो समस्या है करीम साहब। अच्छा अरशद साहब, हम देखो बातों बातों में अपना नाम आपको बोल रहे हैं, प्यार में पागल हो चुके हैं, बस निकाह पढ़वा दो कमला जी, जनाब हो जाएगा, बात हम अपनी बेगम को संभाल लेंगे, प्यार बहुत करती है, 2-4 बार रोएंगे समझ जाएंगे। अरे कल रात की बात है, अफाक मियाँ के घर खाना खाने गए थे। अच्छा, अफाक मियाँ बताया तो था, फोन किया नहीं, अफाक मियाँ के घर बड़े दिनों से बुला रहे थे, कह रहे थे कि मुर्गी ताजमहल खिलाऊंगा, मुर्गी ताजमहल खिलाऊंगा, मैंने कहा चलो चल पड़ते, हम हमारी बेगम 7 बच्चे और 8वां होने वाला, हम तो पहुंच गए। वाह वाह वाह, क्या खाना खिलाया, ताजमहल ताजमहल, हमें तो शाहजहां याद आ गया, इतना प्यारा इतना खूबसूरत खाना, पीठ पीछे बुराई नहीं करेंगे, लेकिन खाना खाके वाकई में खुशी हो, खूबसूरत और खुशबूदार खाना खाकर वाकई में आदमी का खून बढ़ पड़ता है। ये बात तो सच है जनाब, आप तो जानती हैं हम कितने बड़े रसोई हैं, पिछले 7 साल से हम ही खाना बना रहे हैं, हमारी बेगम तो या तो कमर पकड़ी रहती है या बिस्तर, 7 साल में 7 बच्चे कर लिए, अब 8वां साल आ रहा है तो 8वां बच्चा होने वाला, आप देख ही रहे हो ऊपर, हाँ खुदा की देन, सब खुदा की देन, तो हम ही खाना बनाता, आप तो आए हमारे खाने घर, गरीब खाने, हमने आपको क्या खिलाया था, शायद आपको हमने मुर्गी लाल किला खिलाया था, नहीं हाँ 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 आप आए थे, हमने खिलाया था आपको, बहुत पसंद आया था, हमें पता है, बेगम ने भी बताया था आपकी भाभी जान ने, तो गए हम, वाह वाह क्या खाना था, अपने तजुर्बे से बता रहे हैं अरशद मियां कि खास तौर पे बनाए गए ऐसे खाने पर जैसे कल खाया था ना, उसका अलग ही खुमार होता है, वरना एक दौर वो भी था,
या अल्लाह जब ऐसा खराब और बदबूदार खाना खाया हमारे तो होश ही उड़ गए। क्या हुआ था? अरे आप जानते नहीं शहीद नगर में वो बड़ी मस्जिद के साथ लगकर जिनका घर है खास, अभी अभी जिनके बच्चे ने परचूने की दुकान खोली है। अरे जनाब 6 महीने से हमें बुला रहे थे, खाने पर आओ खाने पर आओ, तीतरे कराची खिलाएंगे। हम हमारी बेगम ने फैसला किया, चले गए 7 बच्चों के साथ टोली लेकर। अच्छा उस वक्त 8वां नहीं था, 8वां 2 महीने पहले से शुरू हुआ। गए, अरे या अल्लाह क्या खाना खिलाया है, खाना खा के अल्लाह का कहर था। उफ तौबा तौबा तौबा, अरशद साहब खोता हुआ खरगोश खिला दिया। बताओ हम अंग्रेज है, ना नमक ना मसाला ना तेल ना तड़का, उबला हुआ खरगोश, दाल में अलग तरीके से डाली गई खसखस। हम सुबह तक हमारे बच्चों का गला खराब हो गया जनाब। गरम गरम खाने के साथ ढककर रखे हुए बर्तन में खरबूजे, 15 मिनट में बदबू आने लगी। हम तो परेशान हो गए, खरबूजे को खाए कैसे, जिद कर रहे हैं खाओ खाओ खाओ। और या अल्लाह रहम कर मुझ पर तो रहम कर। उनका तीतर है कराची सामने रख दिया, तीतर जिसकी खाल सड़कर खाक हो चुकी थी। अरे लाहौर वाला को माफ कर, माफ कर, डिस्गस्टिंग यार, ऐसा मत कीजिए। ऐसा खाना खाके अरशद साहब बड़े अच्छा खासा आदमी भी खोता लगने लगे। आप डिस्गस्टिंग बोल रहे हो, कभी जाकर देखो उनके घर। बहरहाल हम किसी तरह उस घर से निकले और अपने गरीब खाने पहुंचे। हमारी बेगम बताओ सारी रात बैठ के उल्टियां करती है, सारी रात। जब जब उल्टी करने जाए उल्टी करने के बाद हमें गाली। एक वक्त आधी रात को तो ऐसा आया हमें यकीन हो गया कि अब हमें कब गाली पड़ने वाली है। कैसे वो रात गुजारी हम ही जानते हैं, कहर था हमारे ऊपर कहर। घर आते ही खुदा का नाम लिया और कसम खाई कि खाक खाएंगे खास आपके घर का खाना नहीं। सही बात। अरे अरशद साहब हमने तो बड़ी मस्जिद जाना छोड़ दिया, नमाज पढ़ने छोटी मस्जिद जाते हैं, क्या पता वो टकरा जाए और जबरदस्ती हाथ पकड़ के अपने साथ ले जाए कि हमारी बेगम ने फिर से तीतरे कराची बनाया, इस बार तो हम आत्महत्या कर लेंगे। भाई साहब बता रहे जनाब सलामत रहे खां साहब और उनका खां सामा, हम तो खुश है जाए हमारा गरीब खाना। बस दुआ करो कि एक तरफ वो कमला जी जो हमें जीने नहीं देती और एक तरफ हमारी बेगम जो मरना नहीं देती, दोनों मिल जाए और हमारे घर में आ जाए। वालेकुम अस्सलाम।